उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से हूँ। कौशाम्बी ये प्रयागराज के पास एक जिला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से कौशाम्बी कोकरा चकेरी के मध्य एक नेशनल हाईवे नंबर 2 है जो अब 19 हो गया है। उसमें भूमि अधिग्रहण का चौड़ीकरण में भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। तो भूमि अधिग्रहण में तमाम ऐसी भूमियाँ आई हैं जो सड़क की, नालों की, तालाबों की, सरकारी सार्वजनिक उपयोग की ज़मीनें हैं। उन ज़मीनों पर कुछ अवैध निर्माण थे और कुछ अवैध निर्माण करवा दिए गए, और उन अवैध निर्माणों में से कुछ ऐसे हैं जिनको न्यायालय द्वारा बेदखल भी कर दिया गया। उसके बाद भी वहाँ के राजस्व कर्मियों ने उनका स्वामित्व जारी करके और NHAI से बिना जांच करवाया एक बेहतरीन तरीके से एक भ्रष्टाचार करते हुए कई करोड़ों का मुआवजा बांट दिया। इसमें कई पीछे बिस्तर के अधिकारी निश्चित रूप से इन्वॉल्व हैं, इसलिए वहां पर जांच नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को शिकायती पत्र लगातार भेजे गए, साथ ही उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद के अध्यक्ष को भी पत्र भेजे गए, स्थानीय जिला अधिकारी को भी पत्र भेजे गए, और माननीय केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के कार्यालय को भी पत्र भेजे गए, चूंकि मामला उनसे भी कहीं ना कहीं संबंधित है। लेकिन किसी प्रकार की कोई जांच या कार्रवाई ना होने के कारण आज संसद भवन पर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल और अनशन पे बैठना पड़ा। बात वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, और ये भी एक प्रयास ही है कि बात शासन तक पहुंचे। और निश्चित रूप से चूंकि बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं पहली ही नज़र में PCS स्तर के कम से कम, तो इसलिए कहीं ना कहीं अधिकारी एक दूसरे को बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं, शायद शासन तक बात हमारी ना पहुंची हो। और मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो शासन तक ये बात पहुंचा देगा, जिसके बाद एक SIT का गठन हो हमारी मांग है, और हो सकता है कि सरकारी तंत्र के भी कुछ लोग इसमें मिले हों। SIT की ही मांग है फिलहाल तो, कि एक कम से कम IAS स्तर के एक अधिकारी की अध्यक्षता में एक जाँच हो, चूँकि PCS लेवल के अधिकारी इसमें पहली ही नज़र में भ्रष्ट दिख रहे हैं, तो इसमें छोटे स्तर के अधिकारियों की जांच से तो कुछ निकलने वाला नहीं। राजस्व कोर्ट की मामला है, इसलिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो उत्तर प्रदेश का राजस्व परिषद है, सारे कर्मचारी जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं वो राजस्व परिषद के ही हैं। और दूसरी बात यह है कि चूंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जुड़ा हुआ मामला है, तो ये भी हो सकता है कि देश में कई जगह इस तरीके के बड़े व्यापक भ्रष्टाचार हुए हो, चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे देश में कहीं ना कहीं लगातार काम चल रहा है, तो हो सकता है कि बड़े स्तर पर हो। लेकिन अगर एक चेन खुलती है, एक IAS स्तर का अधिकारी भी इसमें कमेटी का चेयरमैन बना करके कमेटी का गठन होता है, तो एक खुलेगी, तो उसके बाद परत दर परत बहुत सी चीज़ें खुल सकती हैं भ्रष्टाचार की। पूरे देश में भी हो सकता है कि नेशनल हाईवे में इस तरीके का भ्रष्टाचार और बंटाधार हुआ हो सरकारी पैसे का। एक ऐसी मांग हमारी है कि जो आसानी से सरकार मान भी सकती है, क्योंकि एक IAS स्तर के IAS अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है शासन के लिए कि बहुत दिक्कत की बात हो, और हमें पूरा भरोसा है कि यदि IAS स्तर का एक अधिकारी इस मामले की जांच करता है तो कम से कम इस भ्रष्टाचार की जांचें खुलेंगी, और जब इस भ्रष्टाचार का खुलासा होगा तो निश्चित रूप से देश में और भी जो है फिर बड़े स्तर पर उसकी मांग की जा सकती है, चूँकि एकमात्र जगह पर इस तरीके का भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। निश्चित रूप से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें बुरी तरीके से इन्वॉल्व।